दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा सांसद मनोज तिवारी पटना पहुंचे। पटना पहुंचकर मनोज तिवारी सीधे राजीव नगर स्थित बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आवास पहुंचे और सुशांत सिंह राजपूत के पिता एवं उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मनोज तिवारी भावुक होकर कहा कि यह सुशांत सिंह राजपूत का असमय चले जाना ये हमारे लिए और सबके लिए बेहद दुखदायी है। एक उभरते हुए सितारे का खोने से मैं महामर्त हूँ। हम सब चुप नहीं बैठेंगे। जो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार है उनको किसी भी हाल में सजा दिलवाने का काम करेंगे। उनकी मौत की जांच की मांग की है, जांच हो रही है। जो भी इसके पीछे है जल्द उसका चेहरा सबके सामने होगा। इस दौरान मनोज तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से काफ़ी लंबी बातचीत भी की। देखिए पटना से C24 लाइव के लिए संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। सुनील कुमार जी के बच्चों से मिलने के लिए हमने एक निर्णय लिया कि एक कदम हम लोग बढ़ाते हैं शहीदों के परिवार को अपनाने के लिए। हम जानते हैं कि हम अकेले सभी का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन हम एक परिवार का तो बोझ उठा सकते हैं, हम एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। और हमारे जैसे बहुत तो जो भी सक्षम हैं वो किसी न किसी एक शहीद परिवार के साथ खड़े होंगे तो हमारी सेना का मनोबल, हमारे जवानों का मनोबल बॉर्डर पे भी रहेगा और आने वाले समय में उनके बच्चों को भी हम उसी तरह से खड़ा कर पाएंगे। आप फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है जो इल्ज़ाम लग रहा है कुछ विशेष लोगों पर, क्या सही है, इससे हो सकता है? देखिए हमने जितनी बातें सुनी हैं उसमें तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि होते ही हैं। और इस केस में, सुशांत के केस में जो हुआ है, हम लोगों ने एक हाई लेवल जांच की मांग की है और वो जांच बैठ भी गई है। हम समझते हैं इसके जांच के आधार पे जो दोषी हैं वहाँ तक पहुँचेंगे और न्याय होना चाहिए, क्योंकि हम सुशांत को ऐसे हो करके चुप नहीं बैठना चाहते हैं। ऐसा हमने निर्णय लिया।